गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड हैप्पी बसंत पंचमी और साथ ही में हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू ऑल। और फ्रेंड्स, आज है 14 फरवरी और एक देसी और एक विदेशी फेस्टिवल दोनों एक ही दिन पड़ गए हैं। वैलेंटाइन डे है हमारा विदेशी फेस्टिवल, जिसको हमारा देश भी बहुत जोरों शोरों के साथ मनाता है, और साथ में है आज बसंत पंचमी भी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह सुबह मैंने आके बालकनी में देखा तो एक छोटी सी टेलर बर्ड मेरे इस वाले पिंजरे में फंस गई थी। पता नहीं कैसे वो इसके अंदर चली गई, तो मैं उसको शूट करने लगी और मेरा मन किया इसको बंद कर लूं, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज्यादा शौक है बर्ड्स का। कभी कभी ना मन बच्चों की तरह चंचल हो जाता है, तो और हरकतें हम बड़े होकर भी करते हैं। तो मैंने आधी के लिए इसको बंद कर लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था इसको कैद करने का। तो फिर मैंने जब आधी को दिखाया तो उसने इसको फ्री कर दिया। वाओ, उड़ गई, कितनी खुश हुई ना। फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितनी तेजी से वो टेलर बर्ड उड़ के गई जब हमने उसे खोला। और जब से मैंने उसको बंद किया था तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, सोच रही थी किस तरह से मैं इस पिंजरे से निकल जाऊँ। एक्चुअली ये जो पिंजरा है, हमारी जो बजीज बर्ड थी पहले वाली दो, तो वो मर गई थी सर्दियों में, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई थी तो दोनों ही मर गई। और जो छोटी वाली दो बर्ड्स हैं वो हैं अभी, तो ये पिंजरा खाली ही पड़ा था बालकनी में काफ़ी दिनों से, और इसका ना दरवाज़ा खुला पड़ा था, तो पता नहीं उसके अंदर थोड़ा बहुत दाना लग रहा होगा, तो ये टेलर बर्ड खाने के लिए उसके अंदर घुसी होगी। तो पता हो सकता है वो रात से ही बंद हो। तो मैंने जैसे ही सुबह देखा था तो मुझे मतलब उसको बंद करने का मन किया, लेकिन कोई भी इस तरह से कैद होकर बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। चाहे हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उस पिंजरे में मिल जाएं, लेकिन हमें अपनी आज़ादी ज़्यादा पसंद होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे एक प्रसिद्ध कविता आपने भी सुनी होगी, शिव मंगल सिंह सुमन जी की, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसको बंद किया था करीब आधे घंटे के लिए, क्योंकि मेरा बेटा सो रहा था और मुझे उसको दिखाना था क्योंकि उसको बर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बंद कर लिया था। तब से ये चिड़िया जो थी इतनी ज़्यादा परेशान थी पिंजरे के अंदर, अपने हर तरह के एफर्ट्स कर रही थी वो निकलने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमें कितनी भी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, लेकिन अगर हमें कहीं बंद करके कैद करके रख दिया जाएगा तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार लगता है हमें। तो इस तरह से पंछी होते हैं, तो वो भी उन्मुक्त गगन में बिल्कुल फ्री रहकर, चाहे उन्हें खाने को ना मिले पीने को ना मिले, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी इस छोटी सी स्टोरी से आप बोर तो नहीं होंगे, आई थिंक आपकी भी यही राय होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आज है बसंत पंचमी, तो आज के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है हलवा, सूजी का हलवा बनाया है। तो पहले मैंने सूजी भून ली थी, और सूजी को पहले ही भून लेती हूँ, बाद में उसमें घी डालती हूँ। और फ्रेंड्स, हलवा बनाने के लिए हमेशा 1:3 का रेशो रखती हूँ। तो एक कटोरी सूजी ली थी, उसको भून लिया था और उसमें करीब 3 कटोरी पानी डाला है, तो इससे जो हलवा है काफ़ी अच्छा बनता है। और येलो फूड कलर इसके अंदर डाला क्योंकि आज है बसंत पंचमी, और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के अब बस इसमें पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मान्या जोत जला रही है क्योंकि माता सरस्वती का दिन है, तो बच्चों को पूजा करनी चाहिए माता सरस्वती की। या फिर आप किसी भी इस तरह से काम से जुड़े हैं जो कला से रिलेटेड है, हाथ के काम से रिलेटेड है, तो माँ सरस्वती उनके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बरसाती है। हैप्पी बसंत पंचमी टू यू ऑल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भी पूजा कर ली है, मान्या ने कान्हा जी को नहला दिया था, और देखिए येलो ड्रेस में कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कान्हा जी। और मेरे मंदिर में ये वाली जो माता की जो पेंटिंग लगी हुई है, इसमें सारी माताओं के स्वरूपों का मतलब सारे माता के स्वरूप हैं, तो माता कालरात्रि, माता दुर्गा और माँ सरस्वती की भी फोटो इसमें बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है और बस यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है माता रानी को। फ्रेंड्स, मैं कामना करती हूँ माँ सरस्वती आपके जीवन में सौभाग्य और आपके जीवन में तरक्की दे, और विद्या को और कला को आप हमेशा अपने निखारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें, क्योंकि बिना आप कोशिश करें कोई भी काम नहीं होता है। भगवान जी भी मतलब उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद से प्रयास करते हैं, तो हमेशा कुछ पाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो बस पूजा मैंने कर ली है, बस अब मैं नाश्ता करूँगी। थोड़ा सा ना ये
येलो टच वाला सूट पहन लिया है, प्रॉपर येलो तो नहीं है, थोड़ा सा ये सेमी वूलन सा है, तो अभी जो मौसम है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है आज। स्वेटर तो देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंड, मतलब अभी गर्मी लग रही है स्वेटर को देखने से। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़े से जो हैवी क्लोथ्स हैं उनको भी, मतलब जो मैंने धो के रख दिए हैं, हैवी हैवी जैकेट, हैवी स्वेटर्स, उनको थोड़ा सा मैं तह में लगा के रख दूँगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब गर्मी स्टार्ट होने ही वाली है और कितना भी मौसम चेंज हो जाए भयंकर ठंड पड़ने वाली तो है नहीं, जो जनवरी के स्टार्टिंग में पड़ी थी और एंड तक भी पड़ी थी, जनवरी के एंड तक इतना कोहरा रहता था तो बिल्कुल भी स्वेटर डबल डबल पहनने पड़ रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और मौसम चेंज होता है ना तो फिर ठंड में ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। जो ऐसा मौसम होता है जिसमें हल्की हल्की सी ठंड हो जो अच्छी भी लगे, तो घर के बहुत सारे काम करने का मन करता है। तो मैं अभी बस शुरू करती हूँ जितना भी हो सकता है अपने, मतलब वूलन क्लोथ को थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करूँगी, हैवी क्लोथ्स अंदर रख दूँगी। और अभी खैर ठंडे कपड़े तो निकलेंगे नहीं, नेक्स्ट वीक तक मैं थोड़े से जो क्लोथ्स होते हैं, जो समर के क्लोथ्स होते हैं वो निकाल लूँगी। तो चलिए पहले सबसे पहले नाश्ता करती हूँ और जो जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो और फ्रेंड्स मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स बताना भूल गई थी, सुबह मैंने काले चने बनाए थे मसाले वाले, और जब भी मैं चने बनाती हूँ तो बच्चों के लिए मसाले वाले चने बना देती हूँ सुबह, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बनाकर और हलवा बनाकर और पूजा करके हम लोग सब चले गए थे छत पे, तो सारे हमारे बिल्डिंग वाले जितने साइड से मेरे सब इकट्ठे हो जाते हैं, आसपास के जितने भी नेबर हैं सब खूब मस्ती करते हैं बसंत पंचमी के दिन। ढेर सारी पतंगे उड़ती हैं आसमान में और हम लेडीज़ को पतंग तो उड़ानी नहीं आती, बस हम सिर्फ रील उड़ाते हैं, यानी कि सिर्फ रील बनाते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो देखिए अब नीचे आई हूँ और मैंने यहाँ बना ली है सबके लिए चाय, जो जो सब लोग ऊपर हैं, और बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया था, ये जो चने सुबह बनाए थे इसकी मैंने सब्जी बना दी थी, ये देखिए तरी वाले चने, चने की सब्जी बना दी है आग डालकर, और चावल बनाए थे, और यहाँ देखिए चावल ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं, थोड़े से चावल मैंने आए आकर खाए हैं और बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है, तो पतंग उड़ाने में सब मस्त है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बसंत है आज। तो बसंत मेरठ में, बसंत पे बहुत ज़्यादा पतंग उड़ती हैं, तो हम लोग भी सब एंजॉय कर रहे थे ऊपर, और सारी फ्रेंड्स वगैरह मिलके सब ने रील वगैरह बनाई है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी वो सब मैं। तो चाय छान लेती हूँ और फटाफट से इतने इसमें फ्लास्क में भर के लेकर जाऊँगी ऊपर और सब लोग हम एंजॉय करेंगे। और शाम के 4:30 बज गए और अभी तक बच्चों ने नीचे उतरने का नाम नहीं लिया है। लो जी चाय पियो। देखिए अब हम सब चाय पीने जा रहे हैं और हमारी भाभी चाय बना के लाई है पिछली बार एक घंटे में पिछली बार, और आज हमारा ये हमारी सब फैमिली है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पर। ये हमारी बेटी छोटी ऐशु, और ये हमारी बड़ी बेटी रिया। रिया से हेलो। ये हमारे नवीन भैया हैं। हेलो। ये हमारी भाभी है रीना भाभी, ये व्लॉगिंग कर रही है। ये मेरे पति हैं। हेलो। आपको भी दिखा रहे फ्रेंड्स। यहाँ पर सब लोग थे, सब लोगों ने खूब एंजॉय किया मिलके छत पे, एक तरह से छोटा सा पिकनिक मना लेते हैं हम बसंत पंचमी पर, और होली की पार्टी भी ऐसे ही करते हैं सब लोग एक साथ मिलके। लेकिन आज मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि वो गए हुए थे आगरा और मंडे को गए थे, और अभी 2-3 दिन लगेंगे उनके आने में। फ्रेंड्स इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब एंड पार्ट ऑफ लाइफ, तो उनके बिना ही मुझे आज वैलेंटाइन डे मनाना पड़ा। चाय दो भाभी, चाय ठंडी हो जाएगी। ठंडी नहीं, एकदम पका के, एकदम पका के गर्मा गर्म लाई हूँ। भाभी की थकान उतारने का उपाय है। कैसी है चाय भाभी? फीकी? ठीक है,
भाभी झूठी तारीफ कर रहे हो। पकाया बहुत है भैया, पकाया बहुत है, इसमें दो राय नहीं है, इसलिए थोड़ी देर लगी।